तो एक कामयाब तरीन शख्स, अगरचे जंगे होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे बेटा, कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है। माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है फिर फाइन, उसमें इतनी उसमें भी आएंगी। लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके। तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्से हमारा को नफ्से मुतमइन्ना बनाना है, और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमा यत्तकिल्ला यजअल्लाहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रस्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ, चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या मेकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो या किसी भी फील्ड का हो। ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा, लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिले हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ। उनके याद रखना बच्चों, जब जमीन के चार दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ममैया तकिल्ला यजअल्लाहु मखरजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रिसवानी करेगी। आग आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और कूनी बर्दा व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है। गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर। और एक टाइम पर आप कुछ भी कर ले, आप उन छुरों को रोक नहीं सकते, तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर। लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए, आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस पे चाहिए, और उसके बाद आपको ये कायनात चाहिए जीने के लिए। हम बाहर नहीं जा सकते, इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे, इंशाल्लाह आपका दर्द जो है ना, वो कौम का दर्द बन जाएगा, आपकी धड़कन कौम की धड़कन बन जाएगी, आपकी आवाज कौम की आवाज बन जाएगी, और आपका ख्वाब कौम का ख्वाब बन जाएगा एक दिन। और इसे अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं, एंड दैट्स वेयर लेजेंड्स आर बॉर्न।